नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीबी और मैं वीके यादव। इस समय जनपद सुल्तानपुर अंतर्गत विकास खंड धनपतगंज के ग्राम पंचायत बरौली में मौजूद हूं, जहां पर आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती 132वीं जयंती मनाई जा रही है। हमारे बीच में प्रधान, ग्राम पंचायत के प्रधान भी मौजूद हैं, हमारे बीच में जो है राजस्व निरीक्षक लेखपाल भी मौजूद हैं, और हमारे बीच में आप देख सकते हैं कि लोगों के अंदर कितनी अच्छी भावनाएं हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर को लेकर के आज उनकी जयंती मनाने के लिए कितने उतावले हैं। इन बच्चों को देखिए, छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं कि इनके अंदर क्या भावनाएं हैं, जो पूरे गांव में झंडा लेकर के जो है बाबा जी के जो है जयकारे लगाते हुए आ रहे हैं। और हम जो है यहां पर देख लीजिए कि ये लोगों के अंदर जो भावनाएं हैं कूट कूट के भरी हुई हैं, कि जिस तरीके से बाबा भीमराव अंबेडकर के दिशा निर्देश पर और उनके द्वारा जो संविधान रचा गया उस पर हमारा देश अग्रसर है, शायद काश हमारे बाबा आज भी हमारे बीच में होते तो क्या से क्या नहीं होता, हमारा देश कहां से कहां नहीं पहुंच गया होता, ये हमें बताने की जरूरत नहीं, बल्कि आप उनके संविधान को भी देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। तो हमारे बीच में प्रधान जी हैं, मैं प्रधान जी से कहूंगा कि प्रधान जी बाबा भीमराव अंबेडकर के जो है माल्यार्पण करें और जो है ताकि हम आगे अपना इस कार्यक्रम को आगे दिखा सकें। ये हैं ग्राम पंचायत के प्रधान, बरौली के प्रधान राम किशोर जी बाबा भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर रहे हैं, और इसी कड़ी में जो है हमारे जो है लेखपाल साहब जो मौजूद हैं मौके पर, इन्होंने भी जो है बाबा भीमराव अंबेडकर को माल्यार्पण कर रहे हैं। हेलो, और इस कार्यक्रम के जो आयोजक हैं रंजीत जी, आप भी आइए, आप भी माल्यार्पण कीजिए। ये भावनाएं हैं लोगों के अंदर बाबा की जयंती को लेकर के, और हमारे बीच में पप्पू भाई भी आ चुके हैं, आप भी माल्यार्पण करिए। साथियों, हर जगह देखा गया है कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ के हर चीज में हिस्सा लिया है। आज बाबा की जयंती पर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर महिलाएं भी एकत्रित हो चुकी हैं, उनकी जयंती को लेकर के उत्साह है और महिलाएं माल्यार्पण कर रही हैं। हम अपना इस कैमरे के माध्यम से इस चीज को दिखाएंगे, आप माल्यार्पण कीजिए। आप माल्यार्पण कीजिए। और अब हम चाहेंगे कि हमारे बीच जो है प्रधान जी भी मौजूद हैं, लेखपाल जी भी मौजूद हैं, मैं चाहूंगा कि आप जो है हमारे कैमरे के सामने आइए और दो शब्द बाबा के बारे में जो यहाँ पे जो है लोग इकट्ठा हुए हैं आज जयंती मना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप दो शब्द जो है बताइए। प्रधान जी सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर, मुझे लोग राम किशोर के नाम से जानते हैं, वास्तव में मैं इस ग्राम सभा का प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि हूँ, और मेरी बहू इस ग्राम सभा की प्रधान है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, हम ही नहीं बल्कि पूरा देश, यहाँ तक कि विश्व में भी कई देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और किस तरीके से बाबा साहब ने हमको किस मुकाम पर पहुंचाया है, पूरा देश पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि मीडिया कर्मी जो आए हुए हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूं कि चूंकि इतने दूर दराज इलाकों में लोग कम पहुंचते हैं और हर लोगों की भावनाओं को आपने सरकार तक, शासन तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सभी लोगों को, वो हमारे दादा लगते हो, चाचा लगते हो, माताएं हैं, बहनें हैं और प्यारे बच्चे हैं,
इनको मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके बाबा साहब ने अपने कर्मठता से, अपने परिश्रम से अपने आप को समाज में स्थापित किया, उसी प्रकार से आप लोग भी बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलकर अपना एक काम बनाइए, जिससे 1,000, 2,000, 4,000 कितने भी लोग हो, उसमें आपको अपनी बात कहने का मौका मिले। समय, परिस्थिति, परिवेश सब कुछ बदल चुका है, और ऐसे में अगर हम नहीं बदलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और पीछे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा अपने भाइयों से, बहनों से, चाचा चाची, दादा दादी, जो भी हमारे लगते हैं कि वे और महिलाएं माल्यार्पण कर रही हैं। हम अपना इस कैमरे के माध्यम से इस चीज को दिखाएंगे, आप भी माल्यार्पण कीजिए। और अब हम चाहेंगे कि हमारे भी जो है प्रधान जी भी मौजूद हैं, लेखपाल जी भी मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि आप जो है हमारे कैमरे के सामने आइए और दो शब्द बाबा के बारे में, जो यहाँ पे जो है लोग इकट्ठा हुए हैं, आज जयंती मना रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप दो शब्द जो है बताइए। प्रधान जी सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। धन्यवाद सर, मुझे लोग रामकिशोर के नाम से जानते हैं। वास्तव में मैं इस ग्राम सभा का प्रधान और प्रधान प्रतिनिधि हूँ, और मेरी बहू इस ग्राम सभा की प्रधान है। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आज हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं, हम ही नहीं बल्कि पूरा देश, यहाँ तक कि विश्व में भी कई देशों में बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और किस तरीके से बाबा साहब ने हमको किस मुकाम पर पहुंचाया है, पूरा देश, पूरा राष्ट्र उनका कृतज्ञ है। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मीडिया कर्मी जो आए हुए हैं, मैं इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि चूंकि इतने दूर दराज इलाकों में लोग कम पहुँचते हैं, और हर लोगों की भावनाओं को आपने सरकार तक, शासन तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सभी लोगों को, वो हमारे दादा लगते हो, चाचा लगते हो, माताएं हैं, बहनें हैं और प्यारे बच्चे हैं, इनको मैं एक ही संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरीके बाबा साहब ने अपने कर्मठता से, अपने परिश्रम से अपने आप को समाज में स्थापित किया, उसी प्रकार से आप लोग भी बाबा साहब के पदचिन्हों पर चलकर अपना एक काम बनाइए, जिससे 1,000, 2,000, 4,000 कितने भी लोग हो, उसमें आपको अपनी बात कहने का मौका मिले। समय, परिस्थिति, परिवेश सब कुछ बदल चुका है, और ऐसे में अगर हम नहीं बदलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे, और पीछे रहना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं अनुरोध करूंगा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, उनकी शिक्षा दीक्षा पर सबसे ज्यादा ध्यान दें। विद्यालय में क्या हो रहा है किसी से छुपा नहीं है, लेकिन कम से कम आप अपने घर अपने बच्चों को बता सकते हैं। उनके लिए 2-4 मिनट समय निकालिए और रोज का रोज उनका काम देखिए, और कोई शिकायत हो तो संबंधित अधिकारियों से आपको पूरा हक है, आप उन्हें कन्विंस करिए, तभी आप बाबा साहब के सपनों को साकार कर पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और एक बार पुनः जो बाहर से हमारे भाई मीडिया कर्मी आए हैं, उनके प्रति फिर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्रधान जी ने 2 ही मिनट में बहुत बड़ी बात कह दी है। उन्होंने ये बताया है कि बाबा भीमराव के जो संविधान बनाया है, जो उन्होंने रास्ता दिखाया है, हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस रास्ते पर जो है ले चले, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है वो हमारा जो है बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंचे, भेदभाव को ख़त्म करें। जिस तरीके से बाबा ने भेदभाव को ख़त्म करने के लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी,
उसी तरीके से हमें अपने बच्चों के अंदर ये कूट कूट के भरना चाहिए कि जो जाति और धर्म की लड़ाई है, जो ये खाई है, उसकी जिस तरीके से बाबा ने पाटा है उस तरीके से आप भी पाटिए। यह बात जो है प्रधान जी का कहना है। मैं जो है मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि प्रधान जी के द्वारा इस तरीके से आज इस समाज में बैठ करके बात कही गई जयंती पर, धन्यवाद करना चाहूँगा। लेकिन एक बात मैं और बताना चाहूँगा, कि आज बाबा साहब की जो ये जयंती है, 132वीं जयंती है, और मैं ग्राम पंचायत बरौली में मौजूद हूँ जहाँ का उपकेंद्र लगता है धनपतगंज। यहाँ पर जो है बताइए, इतने बड़े आज जयंती थी जिसके उपलक्ष्य में बिजली की ये बदतर व्यवस्थाएं हो चुकी हैं कि मैं जब से यहाँ आया हूँ कि पिछले 15 मिनट में लाइट नहीं मिली, कभी आती है 2 मिनट के लिए तो कभी चली जाती है। यह यहाँ की व्यवस्थाएं हैं। मैंने इस बाबत अवर अभियंता से बात भी की थी तो उनका कहना था कि नहीं, बिजली तो चल रही है, जो है हर जगह बिजली की पूर्ति की जा रही है, लेकिन जो धरातल की सच्चाई है वो बिजली की क्या पूर्ति है। आप देख सकते हैं कि हमारे ऊपर कितनी मोबाइलें की लाइट जला करके यहाँ पे कवरेज करना पड़ रहा है। ये ग्राम पंचायत बरौली है, यहाँ का उपकेंद्र है धनपतगंज लगता है, लेकिन यहाँ के जो जेई हैं और अभियंता वो किस मद में खोए हुए हैं, किस उसमें पल रहे हैं कि उनको ये नहीं पता है कि ग्राम पंचायत की स्थिति क्या है। वो उनका कहना है लाइट की आपूर्ति की जा रही है, लेकिन आप धरातल की सच्चाई हमारे इस वीडियो से, इस कैमरे के माध्यम से आप देख सकते हैं। फिलहाल मिलता हूं मैं अगली खबर में दोबारा, तब तक के लिए धन्यवाद।